हेलो गाइस, वेलकम टू पूरी पढ़ाई। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कंटिन्यू स्टेटमेंट होता क्या है और रियल लाइफ में इसका क्या यूज़ है, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से कर सकते हैं, उसे रन करा के देखेंगे हम। द कंटिन्यू स्टेटमेंट ब्रेक वन इटरेशन इन द लूप इफ अ स्पेसिफाइड कंडीशन अकर्स एंड कंटिन्यू विद द नेक्स्ट इटरेशन इन द लूप। अभी ये कंटिन्यू स्टेटमेंट एक्चुअली में करता क्या है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेके चीज़ें और समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे आपने एक फॉर लूप लगाया, फॉर लूप लगाने के बाद ये जीरो से लेकर टेन आपका चल रहा है, मतलब कि टेन टाइम्स आपका ये चलेगा। अभी आपने क्या करा, इसमें इफ़ आई इक्वल टू ये लगा दिया आपने, आई डबल इक्वल टू थ्री कंडीशन चेक कर रहे हैं। अगर ये थ्री आ गया तो ये क्या करेंगे, आप कंटिन्यू करेंगे, मतलब इस वाले पार्ट को हम कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू मतलब कि अगर नीचे वाला जो कोड होगा, जैसे टेक्स्ट के बाहर लिखा हुआ है कि द नंबर इज, ये सब जो है वो प्रिंट नहीं होगा, मतलब कि जो कंटिन्यू है, जैसे वो कंटिन्यू कंपाइलर देखेगा कंटिन्यू क्या करेगा, फिर से वो सबसे स्टार्टिंग में मतलब कि फॉर लूप पे फिर से चले जाएगा और आई को, आई प्लस प्लस को फिर से कहते हैं बढ़ा देगा, तो आई की वैल्यू थ्री से फोर हो जाएगी। तो उस कंडीशन में वो आई इक्वल टू थ्री वाला जो स्टेटमेंट है वो उसको छोड़ के बाकी सारे स्टेटमेंट आपका लिख देगा। तो इसमें क्या करेंगे, दिस एग्जांपल स्किप द वैल्यू थ्री। बस आपका अगर आपको बहुत सारे स्टेटमेंट्स लिखने हैं या फिर बहुत सारी वैल्यूज़ लिखनी है, उसमें से कोई एक वैल्यू है या फिर दो वैल्यू है उनको नहीं लिखना, अगर वो वैल्यू आ गई तो उसको स्किप कर देना है, हटा देना है। तो वो कैसे करेंगे, वो आपका कंटिन्यू स्टेटमेंट से होगा। तो आप प्रैक्टिकली चीज़ों को कैसे देखेंगे नोटपैड प्लस प्लस के साथ, तो उसे रन करा के देखते हैं कि ये चीज़ें कैसे वर्क कर रही हैं। इसके लिए आप एक स्क्रिप्ट लिखेंगे। तो जावास्क्रिप्ट लिखने से सबसे पहले हमें पता है कि ओपनिंग और क्लोजिंग टैग लगाएंगे, इसके बाद आप एक वेरिएबल ले सकते हैं और फॉर लूप लगाएंगे। फॉर लूप में हम कुछ प्रिंट कराना है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट से हम प्रिंट करा लेंगे और इसके बाद हम ए प्रिंट करा लेते हैं प्लस, और यहाँ पर हम ब्रेक लाइन के लिए वो लगा देते हैं जिससे कि एक के बाद एक प्रिंट हो जाएगा। अभी हम फॉर लूप में क्या करते हैं, इसको ज़ीरो से इनिशियलाइज कर लेते हैं और ए को लेस देन कर देते हैं कि 50 तक आपका चलेगा, और ए प्लस प्लस कर देते हैं आपका, तो ये आपका 50 तक चल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी मुझे क्या करना है, एक अगर ए की वैल्यू अगर 34 आ जाती है तो वो मुझे प्रिंट नहीं करानी है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ब्रेक तो लगा नहीं सकता हूँ क्योंकि पूरा फॉर लूप चले जाएगा। तो अभी क्या करूँगा, एक वैल्यू मुझे बस स्किप करनी है, कुछ नहीं करना है, तो उसके लिए मैं लगाऊँगा कंटिन्यू। तो कंटिन्यू आपका लग जाएगा। कंटिन्यू से क्या होगा, आपका ये वाली वैल्यू वो छोड़ देगा, तो कंटिन्यू जैसे ही कहते हैं वो 34 तक आएगा। चलिए मैं आपको पहले रन करा के देखता हूँ, उसके बाद मैं और थोड़ा सा डीप चलेंगे इसमें, HTML से सेव करा दे रहे हैं। इसके बाद आप कंटिन्यू स्टेटमेंट को जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपके पास ज़ीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब कुछ है आपके पास, मगर यहाँ पर आप देखिए कि आपका 33 और उसके बाद 35 आ रहा है डायरेक्टली, 34 कहाँ गया। तो यही मैं आपको बताना चाहता था। तो जैसे ही इसने देखा 34 इक्वल टू, तो ये क्या कर देगा, कंटिन्यू। तो कंटिन्यू मतलब कि आपका जैसे ही कंटिन्यू पे देखेगा वो, तो वो यहाँ पर आपका फिर से आ जाएगा। अब ये नीचे नहीं जाएगा, सबसे पहले स्टार्टिंग से जैसे क्या हो रहा था, इक्वल टू ज़ीरो हो गया, अभी इसने कंडीशन चेक करी, कंडीशन ठीक है, और इसके बाद उसने ये प्रिंट कर दिया क्योंकि इफ़ ये वाला कंडीशन ट्रू नहीं है तो उसने ये प्रिंट कर दिया ए की वैल्यू, तो इसलिए हमारा ज़ीरो आ गया। इसके बाद फिर से उसने ए की वैल्यू वन हो गई तो तब भी कहते हैं ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो ये आ गया,
ऐसे ही आपका चलता रहा चलता रहा चलता रहा और आपकी वैल्यू 33 तक पहुंच गई। जैसे 34 हुई तो क्या हुआ, 34 जैसे हुई आपकी तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। कंडीशन ट्रू में आपका क्या लिखा हुआ, कंटिन्यू लिखा हुआ है। कंटिन्यू मतलब कि आपका जैसे ही आपका कंटिन्यू देखेगा कंपाइलर, तो कंटिन्यू क्या क्या करेगा, वो यहाँ पर आपका तुरंत चले जाएगा ए प्लस प्लस के पास। तो वो ए प्लस प्लस पे जाते ही वो उसकी वैल्यू बढ़ा देगा, 35 कर देगा, मगर वो नीचे नहीं आएगा। जैसे 34 आएगा तो वैसे वो क्या क्या करना चाहिए उसे, उसे यहाँ पर आना चाहिए, फिर यहाँ पर आना चाहिए, फिर नीचे आना चाहिए, फिर यहाँ पर आना चाहिए, उसके बाद यहाँ पर जाके फिर यहाँ पर आना चाहिए। मगर ये क्या करेगा, जैसे 34 देखेगा तो कंटिन्यू मतलब कि डायरेक्टली यहाँ पर चले जाएगा नीचे आने के बजाय। तो उस तरह से आपको अगर एक वैल्यू स्किप करनी है सिर्फ, तो आप कंडीशन जो है आपका इस कंडीशन में आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कंटिन्यू स्टेटमेंट के साथ। सो आई होप आपको कंटिन्यू स्टेटमेंट समझ में आया होगा। सो थैंक यू गाइस, मीट मी ऑन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय। योर फीडबैक इज़ वैल्यूबल फॉर ऑल, सो प्लीज़ कमेंट, लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।